आप सबको याद ही होगा कुछ साल पहले प्लेन में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के बाद ना सिर्फ कपिल शर्मा बल्कि सुनील ग्रोवर की भी लाइफ एक अलग ही ट्रैक पर चली गई थी। दरअसल वो लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। जी हाँ, दरअसल लड़ाई तो चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा के बीच हुई थी। एक्चुअल में हुआ यूं था कि कपिल और चंदन बचपन के दोस्त थे। ऐसी लड़ाइयाँ दोनों के बीच में कई बार हो चुकी थी और ये वैसे ही एक आम लड़ाई थी। उसी बीच कपिल और उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा था परफॉर्म करने के लिए। लड़ाई ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हुई थी और उसी ऑस्ट्रेलिया की पूरी ट्रिप में कपिल और चंदन ने बात नहीं करी। शो खत्म होते ही चंदन वो होटल छोड़कर जहाँ सभी रुके हुए थे अपने लिए एक पर्सनल होटल रूम लेकर रुक जाते हैं और इसी बात से कपिल और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वापस आते समय प्लेन में सभी एक साथ अच्छे से मस्ती कर रहे होते हैं और कपिल अपनी कैबिन में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। शराब पीने के बाद कपिल सब पर गुस्सा करने लगते हैं और कपिल को शांत कराने आए सुनील ग्रोवर पर कपिल अपना सारा गुस्सा उतार देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सुनील ग्रोवर शो छोड़ देते हैं। सुनील ग्रोवर के शो छोड़ देने के बाद दोनों की ही लाइफ बिल्कुल ही अलग ट्रैक पकड़ लेती है, जहाँ एक तरफ सुनील ग्रोवर शो छोड़ने के बाद एक अपना खुद का नया शो ट्राई करते हैं जो कि इवेंचुअली फेल हो जाता है, वहीं कपिल जहाँ एक तरफ सुनील ग्रोवर के होने पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी दे रहे होते हैं, उनका शो कई बार बंद हो जाता है। एक तरह से कपिल का बेस्ट फ्रेंड चंदन प्रभाकर ही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बाद भी कपिल और चंदन कभी अलग क्यों नहीं होते? वेल, रीजन ये है कि चंदन प्रभाकर ने कपिल पर बहुत एहसान किए हैं। जैसे एक टाइम पे कपिल को पता चलता है कि उनके पिता को कैंसर है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। कपिल और उनके पिता की पूरी सेविंग्स उनके पिता के इलाज में चली जाती है और फिर भी वो अपने पिता को नहीं बचा पाते हैं। कपिल की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके पास अपने पिता के अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं और उन्हें अपने दोस्तों से उधार लेके अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है और उन्हीं दोस्तों में चंदन प्रभाकर भी शामिल हैं। चंदन की भी फैमिली की कंडीशन उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी वो कपिल की मदद करते हैं। दरअसल ये इकलौता ऐसा किस्सा नहीं है, कपिल और चंदन ने अपने स्ट्रगल के दिन साथ में ही बिताए हैं। कपिल को शुरू से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट था और चंदन तो एक इंजीनियर थे, पर उनको मिमिक्री करना पसंद था। चंदन ने ही कपिल को MH1 नाम के एक शो में ऑडिशन देने के लिए कहा और चंदन पूरे पंजाब में टीटा के नाम से फेमस हो जाते हैं। चंदन के सैक्रिफाइस की एक और स्टोरी बताता हूँ। एक टाइम पे चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा दोनों ने ही साथ में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया था। उस ऑडिशन में कपिल शर्मा रिजेक्ट हो जाते हैं और चंदन प्रभाकर सिलेक्ट हो जाते हैं, पर चंदन प्रभाकर कपिल के लिए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की पूरी टीम से लगातार बात करते रहते हैं। वो कहते हैं कि आपको कपिल का एक बार फिर से ऑडिशन लेना चाहिए, वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, आप सबको कोई गलतफहमी हुई है, पर उससे कुछ हो नहीं पाता है। कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर एक बार फिर से दिल्ली जाकर ऑडिशन देते हैं और वहाँ पे भी कपिल शर्मा रिजेक्ट हो जाते हैं, पर चंदन एफर्ट लगाना नहीं छोड़ते हैं। वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर से बात करते हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। लगातार कन्विंस करने के बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर फाइनली हार मानकर कहते हैं कि इस शो में तुम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, अगर कपिल को इस शो में आना है तो चंदन तुम्हें घर जाना पड़ेगा। चंदन प्रभाकर जो इस शो के ऑडिशन में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके होते हैं, वो अपने दोस्त कपिल शर्मा के लिए वो शो छोड़ देते हैं। चंदन प्रभाकर अमृतसर चले जाते हैं और उस शो में चंदन प्रभाकर के जगह कपिल शर्मा आ जाते हैं। चंदन की कॉमेडी बहुत अच्छी थी और कपिल भी अच्छी खासी कॉमेडी कर रहे थे और इसीलिए 7 एपिसोड के बाद चंदन प्रभाकर को वापस बुलाया जाता है और आपको जान के हैरानी होगी कि उस शो के विनर बनते हैं कपिल शर्मा और पहले रनर अप बनते हैं चंदन प्रभाकर। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो नेशनल टीवी पर सिलेक्ट हो जाने के बाद अपने दोस्त के लिए अपनी पोजीशन छोड़कर खुद बाहर हो जाते हैं, तब जब दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हों। और आज कपिल जो कुछ भी बन पाए हैं इसीलिए क्योंकि उनके पास द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का बेस था। चंदन नहीं होते तो उनके पास वो बेस नहीं होता। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद कपिल और चंदन कॉमेडी सर्कल ज्वाइन करते हैं और उन्हें वहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड सुमोना चक्रवर्ती और कपिल को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राइवल कृष्णा अभिषेक मिलता है। और क्या आपको पता है, इसी शो के बाद से ही कपिल शर्मा और कृष्णा की राइवलरी की शुरुआत होती है, जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री में कॉमेडी के दो अलग अलग साइड्स बन जाते हैं, पर दोनों को ही अंत में मजबूरी में साथ में काम करना पड़ता है और उस राइवलरी की फाइनली अंत होती है। और इसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए।